नेपाल में यहाँ मैं अपना लॉयर विश्वकेतु है, यहाँ मैं एमएलए नहीं है विश्वकेतु, बिकॉज लॉयर परमानेंट है, एमएलए परमानेंट नहीं है। मिंटू है नेपाल में, विजय रांखोल, आज विजय बाबू से मेरा बात हुआ, विजय बाबू अम्बासा में है, उनका तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन विजय रांखोल ने सबको मैसेज भेजा है कि वो भी तोफा तिप्रासा के साथ है, विजय रांखोल से बात हुआ है। अनिमेश देव वर्मा दिल्ली में है, लेकिन अनिमेश देव वर्मा ने भी अपना सपोर्ट और सॉलिडारिटी आज के मीटिंग के लिए रखा है। यहां में टीएसएफ है, अतिसा का मेंबर्स है, यहां में कोई पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यहां में सिर्फ तिप्रासा है। सबसे पहले यहां में जिसने बात किया है, मैं अपना भाषण आनबीसी कौकसालिया, आपको वापस अपने ग्राम में कामी में जाना है, बुबाग्रा आज भाषण देने नहीं आया है, बुबाग्रा के दिल के अंदर जो है वो तिप्रा को बोलने आया है। सबसे पहले तिप्रा क्या है? द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, ये पॉलिटिकल संस्था नहीं है, ये तोफा को एक करने के लिए है। मैंने देखा जब मैं राजनीति में था, बुबाग्रा भी पॉलिटिक्स में था, जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था तो क्या बोला कांग्रेस पार्टी ने, बुबाग्रा प्रद्युत एनआरसी का मामला को ठंडा करो, आप अपना केस विड्रॉ करो। सीएए में आप जोर से विरोध मत करो, क्योंकि पॉलिटिक्स राजनीति में हल्का बोलना पड़ता है, वोट इंपॉर्टेंट है। मैं अपना तिप्रासा को बोलना चाहता हूं, यहां में वहां में, मैं अपना तिप्रासा को बोलना चाहता हूं, आज से एक साल पहले वहां मोटर स्टैंड में बुबाग्रा ने बोला था, नरेंद्र मोदी नुंग बुबाग्रा नो सिनिया को। आज मैं कांग्रेस पार्टी को बोलता हूं, नुंग तिप्रासा नो सिनिया को। ये राजनीति, ये पॉलिटिक्स, ये राजनीति ने हमको बांटा है। आज बुबाग्रा कांग्रेस का नहीं है, आज बुबाग्रा तिप्रा का है। आप लोग समझ लो, यहां में दूसरे पार्टी भी है, ऋषिकेतु है यहां में, मैं आदर करता हूं। माधव बारी में आज से एक साल पहले यहां में समीर त्रिपुरा भी है, देव वर्मा भी है और सुमित देव वर्मा भी है। विश्वकेतु एक ही एमएलए था जिसने असेंबली में सवाल पूछा सरकार को, आपको जवाब देना होगा। मैं सलूट करता हूं, विश्वजीत कोलोय है, सुनील देव वर्मा है, आईएमपीटी से, आईपीएफटी से, पटल कन्या टीपीएफ से है, हम लोग तोफा एक है। क्योंकि आज से एक साल पहले बुबाग्रा क्या बोलता था, पुइला जाति, आज बुबाग्रा बोलेगा पुइला जाति उलोबो जाति। आज हमारा दफा क्यों बटा हुआ है, ये बिल सी हो रहा है, हम लोग क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि थंच
चक्रे ठंचा अंडी ठंचा रहा तो दफा एक होगा। और जब मैं ठंचा बोलता हूं तो मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूं। कंचनपुर में हमारे ब्लू को 22 साल इतने खराब कंडीशन में रखा गया, इतने खराब कंडीशन में, लेकिन जिस दिन दफा एक हुआ, जिस दिन दफा एक हुआ, देव वर्मा ने ब्लू के लिए लड़ा, जमतिया एक होकर ब्लू के लिए लड़ा, कोलोई दरलोन रंगखोल सब दफा कैपिंग सब एक होकर लड़ा तो थांचा हुआ। आज बुबाग्रा आपको बोलना चाहता है, हर ब्लू को त्रिपुरा में जगह मिलेगा। ये मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं, आपका दुश्मन बंगाली नहीं है। जब ब्लूस को कंचनपुर में क्षति हो रहा था, बंगाली भी हमारे साथ आया, और वो जो बंगाली हमारे साथ है उनको भी ताली दीजिए, क्योंकि वो हमारे खिलाफ नहीं है। सीए पास हुआ, सीए किसने पास किया? सीए त्रिपुरा के बंगाली ने डिमांड नहीं किया, ये दिल्ली का सरकार ने डिमांड किया है। हमारा प्रॉब्लम दिल्ली से है। और यहां में बहुत दल है आपके बीच में झगड़ा लगाएंगे, तिप्रासा को तिप्रासा से लड़ाएंगे, तिप्रासा को वंशा से लड़ाएंगे, वंशा को मुसलमान से लड़ाएंगे। हमारा प्रॉब्लम ये त्रिपुरा स्टेट में नहीं है। यहां में मैं पूछना चाहता हूं, नेशनल मीडिया है, आपका बड़ा हीरो था मानिक सरकार, कहां है मानिक सरकार? दिल्ली में सीपीएम बोलता है एनटीसीए, त्रिपुरा में मानिक सरकार चुप क्यों? सबको मालूम राजनीति क्या है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स ने हमको बांटा है। हम ऐसे पॉलिटिशियंस को, ऐसे पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करते हैं। कंचनपुर में बहुत लोग दंगा कराने का कोशिश करता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कंचनपुर में बंगाली टिपरा का लड़ाई नहीं होगा। कुछ लोग बुबाग्रा को बोलना चाहता है, धमकी देता है, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है हमको ये चाहिए, हमको ब्लू नहीं चाहिए, हमको इनको नहीं चाहिए। बुबाग्रा इस मंच से बोलना चाहता है, जो बंगाली का दुकान आनंद बाजार में जला, आप उसका कॉम्पनसेशन का डिमांड क्यों नहीं करता? नहीं, आपको सिर्फ नफरत चाहिए। मैं बोलता हूं, इस मन से बोलता हूं, जो बंगाली का दुकान जला उसका रुपया बुबाग्रा देगा, क्योंकि हम कॉम्युनल नहीं है। आप लोग कॉम्युनल पॉलिटिक्स में जाकर आप असली इशू को इग्नोर करते हैं। यहां में सीए बिल पास करके आप क्या लेना चाहते हैं? आज त्रिपुरा में चक्री कुरोई, विधि कुरोई, शिक्षा कुरोई, यहां में बंगाली को नौकरी नहीं मिलता, टिप्रासा को नहीं मिलता, मोक को नहीं मिलता, चकप को नहीं मिलता। आप बांग्लादेश से आदमी को लेके आना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं भाई कहां तू त्रिपुरा क्यों? वोट बैंक। कांग्रेस ने एक टाइम डुंगुर किया, मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, लेकिन मैंने तभी भी अपने दोफा, अपने राज्य, अपने देश के लिए बात किया। ये जो रियान लोग मिजोरम में गए, डुंगुर किसने किया? डुंगुर के बाद जब दंगा हुआ फिर से रियान को भेजा गया। आज आप बांग्लादेश से शरणार्थी को लाना चाहते हैं, ब्लू तो अपने इंडिया के हैं, उनका क्या है? उनको 22 साल तक कोई सरकार ने, ना कांग्रेस ने ना सीपीएम ने कुछ अधिकार दिया।
आज मुबारक बोल रहा है, इस मन से बोल रहा है, दू को त्रिपुरा में रहना होगा, सम्मान से रहना होगा, पट्टा के साथ रहना होगा। ये पॉलिटिक्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल क्या है? ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बांग्लादेश में 1,01,97,00,000 माइनॉरिटीज है। पहले आप उनको बोलते हैं त्रिपुरा में आओ, आसाम में आओ। त्रिपुरा का इतिहास क्या है? 1940 में बंगाल में अकाल हुआ, महाराजा वीर विक्रम, ये मेरा दादू ने कहा आ जाओ हम लोग आपको सहायता करेंगे। 1946 में नोआखाली में राइट हुआ, महाराजा ने फिर से शरणार्थी को आने दिया, क्योंकि वहां में हिंदू को मारा जा रहा था, महाराजा ने आने दिया। 1948 में राजमाता कंचन प्रभा देवी ने कहा आइए, स्वास्थ्य कमिटी को कंचनपुर में जगह दिया, इसके लिए नाम कंचनपुर, कंचन प्रभा देवी के लिए। 1955 में हिंदुस्तान के सरकार ने बोला आने दो, हमने आपत्ति नहीं किया। 65 में आपत्ति नहीं किया, 71 में आपत्ति नहीं किया, आपने अग्रीमेंट साइन किया टीएनवी के साथ। राजीव गांधी ने टीएनवी के साथ अग्रीमेंट साइन किया, कुछ हुआ, पेन से लिख दिया हो गया, कुछ हुआ, एटीटीएफ के संग आपने अकॉर्ड साइन किया, नरसिम्हा राव ने एटीएफ के संग अकॉर्ड साइन किया, बोला 1971 कट ऑफ ईयर, किया नहीं। आज केंद्र सरकार नया बिल लाता है और कहता है 2014। अमित शाह बोलता है कि डॉक्यूमेंट्स का दरकार नहीं है, डॉक्यूमेंट प्रमाण करने का दरकार नहीं है, अगर आप बांग्लादेश से आया है तो आपको भाई काम कागज पट्टा डॉक्यूमेंट राशन कार्ड देने का दरकार नहीं है। और मुबारक को बोलता है प्रमाण दो, नीर महल आपका है। यह है परिस्थिति। 70 साल में ये पॉलिटिशियंस, ये राजनेता लोग ने हमारा तोहफा, हमारा समाज को कुचल के रखा है। लेकिन प्रत्युत विक्रम मानिक्यते वर्मा अभी भी जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा मैं, सुप्रीम कोर्ट जाकर 22 तारीख हो, 1 तारीख हो, जब तक दिल में सांस है अपने तोहफा, अपने दीपा के लिए कुमारा लड़ेगा। मैंने क्या नहीं खोया है, मैंने क्या नहीं खोया है आपसे प्यार करके। लेकिन आज सब बोलता है कि प्रद्योत वीर विक्रम का नाती है, एक दिन आएगा जब आपको भी लगेगा कि प्रद्योत विक्रम मानिक्य देव वर्मा ने अपने त्रिपुरा को दिल से प्यार किया। मैंने दिल से प्यार किया है, खराब लगता है आपके लिए लड़ते लड़ते मेरा परिवार खत्म हो गया, जिसको मैंने प्यार किया पेगी, मैं दिल्ली कोर्ट में था वो मर गया। आज कितना खोया है मैंने, आपके लिए खोया है, लेकिन आपको प्यार भी मिला है मुझे। आज सिक्योरिटी नहीं है, एक XMLA MDC को PSO मिलता है, सिक्योरिटी मिलता है, एक सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग हैं मेरे साथ, आप लोग का प्यार है मेरे साथ।
हमारे बीच में बहुत लोग हैं लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी अपना इंटरेस्ट स्वार्थ रखता है। यहां से आप लोग जाएंगे, एक प्रॉमिस आपको मुझे करना होगा, एक वादा करना होगा कि कोई बंगाली को आप आक्रमण नहीं करेंगे। बंगाली हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन हमारा खुद का नेता है जिसने अपने आप को दिल्ली जाकर बेचा है। ये लोग ने आपका वोट लिया है, आपका वोट से आज वो मंत्री बनता है, एमपी बनता है और दिल्ली जाकर चुप हो जाता है। इस 10-12 से मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपको शरणार्थी रखना है हिंदुस्तान में, मैं भी हिंदू हूं लेकिन उससे पहले मैं तिप्रासा हूं। ये हमारा राज्य है, आपने हमारे ऊपर अन्याय किया है। त्रिपुरा ने लाख लाख शरणार्थी को रखा लेकिन दूसरे राज्यों ने मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल एक हिंदू को नहीं रखा। आपने अपने बिल में उनको बोला कि नो नीड और हमको बोला फिर से करो। हम तो पहले से खड़े हैं, आपने अन्याय किया है हमारे साथ। आप जाकर एक आवाज में पूछिए क्या हो रहा है ये राज्य में, क्योंकि ढांचा नहीं है, ढांचा आऊंगी। यहां में हमारे सब दोफा के लीडर्स हैं सब। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर आईएनपीटी कांग्रेस के संग अलायंस कर सकता है, आईपीएफटी बीजेपी के संग कर सकता है, टीयूजीएस बीजेपी कांग्रेस के संग करता था, सीपीएम के संग नहीं किया, तो अपने बीच में अलायंस क्यों नहीं करते हो? अगर हम लोग का दफा, हम लोग का सिस्टम एक हो गया, हमको दिल्ली का परवाह नहीं है। और दिल्ली को मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आपको इतना प्यार है, आपको इतना प्यार है, आपको अगर रखना है बांग्लादेशी से लोगों को, हमने रखा है, आपको अगर और रखना है तो गुजरात में बहुत जगह है, आप गुजरात ले जाइए। नहीं ले जाएंगे। अगर इतना प्यार है महाराष्ट्र ले जाइए, इतना प्यार है तमिलनाडु, पंजाब ले जाइए। हमने अपना दायित्व तो निभाया है। ये बिल आप पास करके क्या करना चाहते हैं? नुमती प्रसानो नुम साइमनो साबो काम साबो हमिया। आप लोग समझ लो, ये बिल हमारे तिप्रासा के लिए नहीं है, ये बिल त्रिपुरा के बंगाली के लिए नहीं है, ये बिल पश्चिम बंगाल का इलेक्शन जीतना है आपको, आपको पश्चिम बंगाल जीतना है, ममता बनर्जी को खत्म करना है। तो आपने त्रिपुरा को बलि कर दिया, लेकिन त्रिपुरा ये 2020 है, ये 1974-1965 नहीं है। हम लोग अपना अधिकार लाना जानते हैं। और पुबाकरा बोल रहा है शांति से, लेकिन लीगली हम लोग अपना आंदोलन चालू रखेंगे। और मैं आपको बोल रहा हूं, हम लोग लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट लेकर दिल्ली को कांग्रेस पार्टी भी सुन लो, आप हमको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आपने कहा एनआरसी नहीं चाहिए, क्यों नहीं? क्योंकि आपको भी अपना वोट बचाना है। एक पार्टी एक धर्म को वोट लेता है, दूसरा पार्टी दूसरा धर्म का वोट लेता है, तिप्रासा को सब भूल जाता है। तिप्रासा एक होगा, तिप्रासा को एक होना पड़ेगा और कोई जाति के खिलाफ नहीं। कंचनपुर से 2-3 लोग बोलते हैं बुबाग्रा आप तो 30% है, 30%
30% हम लोग ज्यादा हैं। वो लोग चाहते हैं कि आप अपना अंदर में जो गुस्सा है वो बंगाली के ऊपर निकाले, नहीं निकालने का, ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देने का, क्योंकि ये लोग बंगाली त्रिपुरा में लड़ाई लगाना चाहते हैं, ये लोग बंगाली के लिए नहीं बोलते हैं। बहुत बंगाली मुझे भी सपोर्ट करते हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि ये इलेक्शन का खेल है, वोट बैंक, दंगा लड़ाओ। दंगा होगा तो कोई नौकरी के बारे नहीं पूछेगा, दंगा होगा तो कोई अस्पताल शिक्षा के बारे नहीं पूछेगा। ये लोग को इतना इंपॉर्टेंस मत दो, बुपाग्रह को कुछ नहीं होगा। मैं 30, वो 70, वो 500, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, जंगल में 500 बंदर रह सकते हैं, शेर एक ही होता है। और वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाओ, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी सीपीएम, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अपना गुस्सा बंगाली के ऊपर मत निकालिए। ये त्रिपुरा के बंगाली ने कानून पास नहीं किया, ये दिल्ली का सरकार ने पास किया है। आने वाले दिन में मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपको एक होना होगा। बुबाग्रा पूरा त्रिपुरा में पद यात्रा करेगा, पूरा ग्राम में जाएगा, आपके पास आऊंगा, मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा, लेकिन कुछ कुछ चीज आपको सीखना चाहिए। मिजोरम में यंग मिजो एसोसिएशन अपना दोहा को चलाता है, जो यंग मिजो एसोसिएशन बोलता है वो नेता लोग को करना पड़ता है। नागालैंड में नागा का हो है, उनका दोहा है, जो नागा का दोहा बोलता है उनका नेता को करना पड़ता है। त्रिपुरा में नेता बोलता है, हम लोग को करना पड़ता है। ये सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जो त्रिपुरा बोलेगा वही नेता को करना पड़ेगा। अगर नेता एक नहीं हुआ, अगर नेता लोग दफा बदल एक नहीं हुआ, तो त्रिपुरा साहब को मैं एक करूंगा और सिस्टम को बदलूंगा। आखिर में आप लोग को अपना ग्राम में जाना है, कामी में जाना है, शांति से जाइए। बहुत लोग हैं जो यहां में आपके अंदर है, खराब लोग हर कम्युनिटी में होता है, बंगाली में खराब होता है, मुसलमान में खराब होता है, अपने त्रिपुरा में भी खराब होता है। उनको मौका मत दीजिए कल कोई बोले कि हम लोग उग्रपंथी है, हम लोग क्रिमिनल्स है। आप लोग शांति से अपने गांव में जाइए। बुबाग्रा का मैसेज है कि बुबाग्रा आपके लिए लड़ रहा है, आप बुबाग्रा के संग, पतल कन्या के संग यहां में अनिमेश हो, यहां में टीएसएफ, अतिशा, विश्व केतु हो, टीला हो, त्रिपुरा क्षत्रिय समाज हो, त्रिपुरा हो, सबके साथ आप एक होकर आने वाले दिन में एक आवाज में आगे जाइए। सब लोग आखिर में, जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मैं बोलता था वंदे मातरम, कोई बोलता है लाल सलाम, कोई बोलता है भारत माता की जय। मैं आपको बोलना चाहता हूं, सब खड़ा होके बोलिए त्रिपुरा सा एक लोकतम, सब खड़ा होके बोलिए त्रिपुरा सा। नहीं सुनाई इतना जोर से बोलो कि दिल्ली में आवाज जाए कि दोफा एक है, त्रिपुरा सा। वहां में चुप है, क्या हो गया, वक्त नहीं मिला।
एक आवाज में वायरल